देखिए क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है आज के समय में, और क्लाइमेट चेंज होने से हमारी जो डायनेमिक्स थी एग्रीकल्चर की वो डिस्टर्ब हो चुकी है. सीजन बदल गया है, तो आपके लगातार नई प्रोडक्टिव क्रॉप्स आपको निकालनी होंगी, उनकी नई वैरायटीज निकालनी होंगी, नई ब्रीड्स निकालनी होंगी जानवरों की, जिससे कि आपका प्रोडक्शन लेवल उससे और उससे बेटर हो सके. ये इतना आसान नहीं है करना. तो इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है हेल्प करने का, ये हो सकता है कि जितना भी आपका प्रोडक्शन है उसको मैक्सिमम लेके आए और उस मैक्सिमम प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करके यूटिलाइज करें अलग अलग डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में. जैसे कोई भी आता है तो सबसे पहले हम उसको बोलते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट देखना चाह रहे हो, जिसमें भी बिजनेस आप चाहते हो, उसका थोड़ा हम चलते हैं मार्केट सर्वे करते हैं. मार्केट सर्वे बहुत ही वैसा नहीं है कि हम किताब लेके कॉपी लेके जाएंगे, एक जनरल लोगों से मिलेंगे जो भी ट्रेडिंग कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, कोई उगा रहा है, उसको हम मिलेंगे बेसिकली. और जब उसको मिलेंगे तो हम जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है मार्केट में, और हमें पता चलेगा कि कहाँ अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. तो फर्स्ट स्टेप हमें ये पता चल जाए कि मार्केट रिसर्च से कि अपॉर्चुनिटी क्या है मार्केट में, उसमें प्रॉब्लम क्या है. अब उसको एक्सप्लॉइट कैसे करें, हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे कि आपकी हम कैपेसिटी देखेंगे. हमने अपॉर्चुनिटी तो देख ली, अब उसको हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, आपकी क्या कैपेसिटी है उसको एक्सप्लॉइट करने की, ये कैसे पता चलेगा. ये तभी पता चलेगा जब आपकी कैपेसिटी हम जानेंगे. आपके संग हम जैसे आपके गाँव गए, घर गए, आपका देखा कि रिस्क बेयरिंग कितना है आपका. ऐसा तो नहीं कि आप बिजनेस में आ गए और सब आपका चला गया, जमीन भी बेचनी पड़ी आपको. तो फिर उसको एक ऐसा स्ट्रेटेजी आपको डिवाइस करेंगे कि आपकी जो असेट है वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं रिस्क लेने से. इस तरह का जब असेट डिवाइस हो जाएगा और उसको एक टेस्ट मार्केटिंग या ट्रायल हम कहते हैं, जो मार्केट में जाके ट्रायल करेंगे कि फला फला प्रोडक्ट है, उसको हमने जाके मार्केट में ट्रायल किया. ट्रायल में अगर वो सही उतर के आ रहे हैं पर, तो आप जानिए कि आपका जो भी हमारी स्ट्रेटेजी प्लान है वो मोर और लेस सही डायरेक्शन में फोकस कर रही है. अगर ट्रायल में कुछ हमें फीडबैक मिल रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, तो उसको हम फिर से री इन्वॉल्व करेंगे, प्रोसेस को पूरा रीसर्कुलेट करेंगे और बेटर सोल्यूशन से आपके सामने आएंगे. और जब वो सामने आ जाएगा तो आपको एक टेस्ट प्रोडक्ट देंगे कि चलिए आप जो प्रोडक्ट प्लान कर रहे हैं वो तो बनाने में टाइम लगेगा, तो हम एक ऐसा बंदा देखेंगे या इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर देखेंगे जो उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी कर रहा है. हम उससे ब्लैंक लेंगे और लेके आपको देंगे कि आप साहब आप जाइए और मार्केट में इसको बेच के आइए, इतने ऑर्डर लेके आइए जितने उससे आपको लगता है कि आप सर्वाइव कर लेंगे. फर्स्ट कंडीशन ये है. अगर आप 1, 2, 3, 4, 6 महीने में वो लेके आते हैं तो मीन्स यू हैव द कैपेसिटी टू यूटिलाइज द मार्केट. तो इसमें मेरा क्या खर्चा होगा? खर्चा इनिशियली सर कुछ नहीं होता है. पहले 3-4 महीने तो केवल हम एडवाइस देंगे आपको, ठीक है. खर्चे की बात तब आएगी जब आप फाइनली रेडी रहोगे. तो हमारा एक एनुअल इंक्यूबेशन फीस होता है, बट दैट डजंट मीन कि हम कोई बाउंड्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने सामने कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है. हमें हेल्प करनी है लेकिन संग में एक अपना जो यहाँ का ऑपरेशन कॉस्ट है उसको भी कवर करना है. तो उसके लिए हमने कुछ एक फीस रखी है ताकि हमारे पास फिल्टर आउट होके एप्लीकेंट्स आए और हम उनकी फोकस होके हेल्प कर सकें. क्योंकि एक बंदे या बंदी को हम हेल्प करेंगे तो ये नहीं कि एक घंटे में हमने पर्चा लिख दिया और दे दिया उसे, नहीं. उसके संग हमें 3-4-6 महीने देने पड़ते हैं. तो बट ऑलवेज हमारा टाइम जा रहा है तो हम उसका कुछ फीस चार्ज करेंगे. सो दैट द पर्सन बी सीरियस. तो मुझे कितना समय यहाँ निकालना पड़ेगा जैसे मैं फील्ड में काम करता हूँ? एक बार हमने जैसे हमने आपसे मुलाकात कर ली, ठीक. उसके बाद फील्ड में जाइए और फोन पे आप हमसे पूछते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे. अच्छा। हमारे कुछ बंदे भी हैं नेटवर्क में, आपको अगर फील्ड में कुछ हेल्प चाहिए तो हम उनको कनेक्ट कर देंगे, आप उनसे मिलिए. तो क्या होगा कि हमारा जो होगा कि वो मैग्नीफाई हो गया, आपको फील्ड में मिलेगा हमारे यहाँ रहने के बावजूद भी. और सिर्फ आईटी का है तो हम कोशिश करते हैं कि किसानों को सबसे पहले हम फोन पे बात करना सिखाएं, ताकि क्या होगा कि फोन पे अगर बात कर सकता है तो किसी भी खेत किसी भी गाँव से डायरेक्टली हमसे बात करके पूछ सकता है क्या है. नहीं तो खामगा उसे दूर दूर से आना होगा, रहना होगा, खाना होगा, खर्च करना होगा और वो फिर डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा बीच में. तो ये सारे तरीके हैं जिससे हम काम करते हैं. हमने सुना है यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी आप लोग लैब में बनाते हैं फिर उसको आगे देते हैं, तो मेरे को आप कंपनी को देते हैं एक एज ए फार्मर मुझे उससे कोई फायदा मिलेगा? पहली चीज़ तो है कि ये लैब ना पूरा एग्रीकल्चर लैब है. पूरा मतलब आपका जो नेचर है वही एक इटसेल्फ इज अ लैब. उसमें क्या होता है कि टेक्नोलॉजी बनाने के 2-3 तरीके होते हैं. एक तरीका होता है कि आपने एट रैंडम कुछ नई टेक्नोलॉजी कर दी जिससे कि पुराना जो प्रोसेस था वो इम्प्रूव हो गया, उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, खर्चा कम हो गया और वो फाइनेंशियली वायबल हो गई नए एटमॉस्फेयर नए डायनेमिक्स के अनुसार. दूसरा होता है कि कोई पुरानी टेक्नोलॉजी चल रही है उसको हम थोड़ा थोड़ा सा इनोवेट करते हैं. थोड़ा सा इनोवेट किया, थोड़ा सा बेटर हो गया, थोड़ा सा पेंट कर दिया, थोड़ा सा और एफिशिएंसी उसकी बढ़ा दी, थोड़ा खर्चा कम कर दिया. ये सब करने से अगर किसान को या किसी भी एंटरप्रेन्योर को जो बिजनेस करना चाह रहा है या कोई कंपनी भी हो सकती है, वो ये जरूरी नहीं कि केवल किसान हो. भाई किसान है तो कंपनी होगी, कंपनी है तो किसान है, दोनों एक दूसरे के पूरक है. दे आर द टू व्हील्स ऑफ ए कार, दे कैन नॉट इंडिविजुअली रन.